एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिस पर आज की डेट में 200 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। मामूली से मामूली लोगों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है, उनकी जेबों में इतने ज्यादा पैसे भर दिए हैं ठूस ठूस कर कि इन लोगों को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आप भी इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? और आप ये सब कर सकते हैं अपने इसी मोबाइल फोन से जिसमें आप मेरा ये वीडियो अब देख रहे हैं, फिर चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता है और आप अपने खाली समय में ही ये काम करते हैं। ये सब कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 25 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के दम से ही आपके लिए पार्ट टाइम फुल टाइम कमाई के नए नए तरीके ढूंढकर लेकर आता हूं, जिनमें आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब भी कमाई का एक बहुत ही बढ़िया जरिया या तरीका है। दोस्तों, क्या आपने भी YouTube से कभी कमाई करने की कोशिश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से कामयाब नहीं हो पाए, या आपने आज तक कभी कोशिश भी नहीं की कि आप भी YouTube से कमाई कर सकें? तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, चाहे आप 10वीं पास हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या आप हाउसवाइफ हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं और फेमस भी हो सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका क्या है एक कामयाब यूट्यूबर बनने का। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके हाथ में या जेब में मोबाइल फोन जरूर होता है। बस आप अपनी आंखें और कान खुले रखिए, किसी ऐसी घटना या दुर्घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने के लिए जिसको देखने के लिए लाखों लोग इंटरेस्टेड हों। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश की सड़कों पर घटनाएं और दुर्घटनाएं आम सी बात है। आप कभी भी निकल जाएं, 5-7 दिन में एक आधी घटना या दुर्घटना आपकी आंखों के सामने जरूर घटित हो ही जाती है। इसके अलावा धरना प्रदर्शन भी चलते रहते हैं, इसके अलावा गर्मा गर्म बहस करते हुए लोग भी आपको दिख जाएंगे। अगर आपने सड़क पर घटित कोई दुर्घटना अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और उस दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद भी कर दी, और ये सब आपने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया और अपने YouTube चैनल पर डाल दिया, तो वो आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, आपका एक वीडियो वायरल भी हो जाएगा और आपको ऊपर से शाबाशी भी मिलेगी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इन्होंने एक घटना देखी, दुर्घटना देखी, उसका वीडियो बनाया और वहां पे जो लोग उसमें शिकार हुए थे दुर्घटना के, उनकी मदद भी की, और देखिए उसका भी पूरा प्रूफ और वीडियो दिख रहा है, तो ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, इनके चैनल पर आके हमें बार बार वीडियोज देखने चाहिए, ये अच्छे वीडियो बनाते होंगे। देखिए दोस्तों, लोग इसी तरह की चीजें देखना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको कुछ अलग सोचना होगा अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी भी किसी बाजार या मार्केट में जाते हैं तो उसका भी एक व्लॉग बना सकते हैं। व्लॉग का मतलब यह होता है दोस्तों, किसी जगह या स्पेस के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में लोगों को बताना। अब देखिए फ्रेंड्स, घटनाएं और दुर्घटनाएं तो रोज रोज होती भी नहीं है कि आप ही के सामने हो, वो तो कभी कभी होगा, और वो वीडियो अगर आपने बना लिया, आपकी किस्मत अच्छी हुई, वो वायरल भी हो जाएगा। लेकिन डेली बेसिस पर आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, किसी मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट या बाजार आपको जाना ही होता है, तो आप हर बार कोशिश ये कीजिए कि उस मार्केट या बाजार का एक व्लॉग बना दीजिए। व्लॉग का मतलब आसान भाषा में होता है किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देना लोगों को। आप लोगों को जानकारियां दें कि इस पर्टिकुलर मार्केट में क्या क्या सामान बिकता है, इसकी क्या खासियतें हैं, कोई एक खास दुकान है जो बहुत फेमस है किसी पर्टिकुलर कारण से, इस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आप अपने उस व्लॉग को अपने YouTube चैनल पर डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में जानकारी चाहेगा तो वो गूगल सर्च पर जाकर उस मार्केट का नाम लिखेगा।
गूगल सर्च की सॉफ्टवेयर यूट्यूब से भी वीडियोस उठाकर दिखाती है दर्शकों को, सिर्फ वेबसाइट्स वगैरह ही नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपने अपने वीडियो में उस मार्केट के बारे में डिटेल्स डाल रखी हैं तो उस व्यक्ति को आपका वीडियो भी दिखेगा गूगल सर्च में ही, ठीक है। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो पहुंचेगा यूट्यूब पर ही, तो आपको व्यूज़ मिलेंगे। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, व्लॉग बनाने के लिए आपको महंगा मोबाइल फ़ोन या किसी किस्म का कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपका वही पुराना वाला जिसका शायद स्क्रीन टूटा हुआ है, व्लॉग बनाने के लिए काफ़ी है। और हाँ, अलग से आपको कोई भी माइक्रोफोन या माइक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ अपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि व्लॉग्स होते कैसे हैं। आप में से सभी लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे। देखिए, व्लॉग्स देखने में ऐसे लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली की सबसे बड़ी मोबाइल फोन्स की मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तीन चार चीज़ें अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में किस तरह से पकड़ना है ताकि वो हिले नहीं, शेक ना करे। और जिस तरह से एक गिम्बल, जी हाँ, जो 8-10 हज़ार का एक गिम्बल आता है कम से कम, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन अटैच करके शूट करते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने नए पुराने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा से एक 360 डिग्री शूट भी कर सकेंगे। यानी कि आप जहां खड़े होंगे, आपके चारों तरफ, यानी पूरा 360 डिग्री राउंड में आप शूट कैसे करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इसके अलावा मोबाइल फोन आप अपने फेस से कितनी दूर रखकर शूट करेंगे ताकि वो शूट भी अच्छी तरह हो, आपको दिखाई भी दे आप क्या शूट कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आप बोल रहे हों कि भाई आप किस बारे में शूट कर रहे हैं, कहाँ की शूट कर रहे हैं, कहाँ की फिल्म बना रहे हैं, वो आपके मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी आराम से अच्छी तरह से हो जाए, ताकि जब आप उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपके दर्शक, आपके सुनने देखने वाले अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपने जो मोबाइल फ़ोन है वो पकड़ना कैसे है अपने हाथ में। अब आप कहेंगे जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोबाइल फ़ोन तो हम सबको पकड़ना आता है, हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाते हैं। देखिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको अब ये दिखाऊंगा कि वो क्या टेक्निक है जिससे आप अपने हाथ से ही गिम्बल का काम ले सकते हैं। यानी कि आपको महंगा 8-10 हज़ार का गिम्बल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मोबाइल फ़ोन हिलेगा नहीं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपके हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, जो सबसे छोटी उंगली है उसको और जो चौथी उंगली है उससे आपने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ना है, और जो बीच की 2 फिंगर्स हैं उससे आपने मोबाइल फ़ोन के पीछे एक सपोर्ट बना देनी है, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपके हाथ की सबसे छोटी फिंगर है और उसके बाद जो चौथी फिंगर है उससे आपने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ना है, और जो बीच की 2 फिंगर्स हैं उनसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन के बैक में एक सपोर्ट देनी है, ठीक है। और इस तरह से आपने अपना मोबाइल फोन पकड़ना है जब आप व्लॉगिंग करेंगे, जब आप अपने मोबाइल फोन के बैक कैमरा से शूट करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपके मोबाइल फोन की फुटेज आएगी, जो वीडियो बन के आएगा, उसमें शेकिंग बहुत कम होगी। ये टेक्निक होती है जिससे आप गिम्बल को अवॉइड कर सकते हैं जो महंगा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो नया है, चाहे 5-7-10 साल पुराना भी है, उसका जो बैक कैमरा है वो बहुत बढ़िया काम करता है इवन आज की डेट में, ठीक है। तो आपने वो अपना मोबाइल फ़ोन अपने से इतनी दूर रखना है, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग करेंगे, यानी कि जब आप किसी मार्केट के बारे में, किसी ऐतिहासिक स्थान के बारे में या किसी और तरह के धार्मिक स्थान के बारे में कोई वीडियो बनाएंगे, तो आप कुछ बोलेंगे भी उस जगह के बारे में, क्योंकि तभी तो वो इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आपका चेहरा, आपका जो मुंह है जहां से आप बोलते हैं, वो आपके मोबाइल फ़ोन से कितनी दूरी पर रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
ठीक है, वो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 फीट की दूरी पर ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको एक माइक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिसमें वो आपको ये सजेस्ट करते हैं, इवन आपको कहते हैं कि ये एक माइक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से जाके खरीद लीजिए। विश्वास जानिए फ्रेंड्स, आपका जो मोबाइल फोन है चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, अगर आप उसको 1 या 1.5 फीट अपने मुंह से दूर रखते हैं और बोलते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसी भी प्रोफेशनल माइक के मुकाबले बहुत ज्यादा कमतर नहीं होती है, यानी कि 19-20 का ही फर्क होता है दोस्तों। आपको जानकर या सुनकर ये हैरानी हो रही होगी लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको किसी भी महंगे या सस्ते माइक की अलग से जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपने वो लेना ही नहीं है, अपने नए पुराने मोबाइल फोन से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी दूसरी ट्रिक जो मैंने अब आपको बता दी। अब तीसरी ये है कि आपने अपने नए पुराने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से 360 डिग्री पूरा शूट कैसे करना है, और वो भी इस तरह से कि लगे कि गिम्बल से किया गया है, जैसा कि अब आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो शूट है जो आप देख रहे हैं ये 360 डिग्री शूट है जो मैंने अपने एक मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से किया है, और इसके अंदर किसी भी गिम्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, जो भी व्लॉग होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत अच्छा म्यूजिक भी होना चाहिए ताकि जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। यूट्यूब की ही तरफ से आपको एज ए यूट्यूबर बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि यूट्यूब का ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ से आपको सैकड़ों हजारों वर्ल्ड क्लास म्यूजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री मिलते हैं, ठीक है। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर फ्रेंड्स पहले ही डाल रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ लिख दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पर ही इस तरह का कैटेगरी का भी म्यूजिक मिल जाएगा कि आप व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए जो म्यूजिक है वो काफी फास्ट होना चाहिए ताकि जो आपके देखने सुनने वाले हैं उनको इंटरेस्ट आए और वो उसको देखें। इसके अलावा दोस्तों कि ये जो व्लॉग अब आप तैयार कर लेंगे इसको आपने एडिट कैसे करना है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक कैसे डाउनलोड करना है। उसी वीडियो में मैंने एक बहुत ही बढ़िया आपको मोबाइल ऐप के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम है माई मूवी, ठीक है। आप उस मोबाइल ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, चाहे आपने आज से पहले कभी भी एडिटिंग ना की हो फिर भी आप कर पाएंगे। और इसी वीडियो में जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है वहां से जाकर आप देख लीजिए और सीख लीजिए और कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, व्लॉग तो आपने बना लिया, ठीक है, आपने बनाना कैसे है ये भी सीख लिया, लेकिन आपका व्लॉग चलेगा कैसे, वायरल कैसे होगा, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि अगर आपका व्लॉग लाखों हजारों लोगों तक पहुंचेगा तभी आप कमाई कर सकेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर अपना विज्ञापन देंगी, क्योंकि आपके वीडियो पर अगर लाखों व्यूज आएंगे तभी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वहां पर अपना विज्ञापन डालेंगी और YouTube से फिर आपको कमाई आएगी, ठीक है। और बेसिकली अगर आप अपना व्लॉग या कोई भी वीडियो YouTube पर डालते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आपने टाइटल क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है और टैग्स कैसे डालें। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्लॉग्स के लिए, टैग्स कैसे हों। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 30-40 टैग्स निकाल कर पहले से रखे हुए हैं, मैं उन सब की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ऊपर लिखा होगा टैग्स फॉर व्लॉग्स, ठीक है, टैग्स फॉर वीडियो व्लॉग्स, ठीक है, आप वहां से जाकर वो टैग्स देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको कॉपी कर लीजिएगा और अपने वीडियो में पेस्ट कर दीजिएगा जहां टैग्स का सेक्शन होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा देता हूं कि टैग्स डालने कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखना कैसे है और टाइटल में क्या लिखना अच्छा रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक अपने YouTube के चैनल पर लेकर चलता हूँ जो मैंने खास तौर पे आपको सिखाने के लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं आपको ये व्लॉग उस चैनल पर डालकर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक चैनल है जो मैंने बनाया था आपको सिखाने के लिए कि भाई किस तरह से आप यूट्यूबर बनेंगे,
ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर अभी कोई वीडियोस नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने बनाया है ताकि आपको मैं सिखा सकूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल को बनाया कैसे गया है, ठीक है, बहुत आसान है, आधे मिनट एक मिनट में बन जाता है। मैंने एक वीडियो इस बारे में बनाकर पहले से ही यूट्यूब पर डाल रखी है कुछ दिन पहले, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा कि अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया है तो बना लीजिए, सिर्फ एक दो मिनट में अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से आप बना सकते हैं, आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल का जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, ये उसका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहां पर लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना जो व्लॉग हमने बनाया है, ठीक है, जिसको हम ट्रैवल वीडियो भी कह सकते हैं, वो अपलोड करते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर देखेंगे जहां ये एक वीडियो का साइन बना हुआ है और उसमें प्लस का साइन है, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखिए जहां नीचे लिखा हुआ है अपलोड वीडियो, यहां क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे जहां सेलेक्ट फाइल लिखा है, यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए जो मैंने व्लॉगिंग की वीडियो बनाई हुई है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए ये वो वीडियो है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ दिख रहा है अपलोडिंग वीडियो, ये वो वीडियो का लिंक है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपलोड होने में समय जितना लगेगा डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है, क्योंकि मैंने ये जो व्लॉग बनाया था ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर आपको सिखाने के लिए बनाया था, बहुत छोटा था, इसलिए बहुत जल्दी ये अपलोड हो गया है और इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए उसका लिंक है वीडियो का, इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में कहीं पर भी, ताकि आपके यार दोस्त इसको क्लिक करें, इससे आपके व्लॉग यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग आकर इस वीडियो को देखेंगे और आपके पास व्यूज़ आएंगे। देखिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने YouTube चैनल पर ट्रैफिक लाने का, लोगों को लाने का। आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर पहले से हैं जैसे Facebook वगैरह पर, तो आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं या किसी को WhatsApp भी कर सकते हैं, वो क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके YouTube चैनल पर खुलकर उन्हें दिखेगा, ठीक है। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने टाइटल किस तरह से डालना है। सबसे ऊपर टाइटल है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए क्योंकि ये एक व्लॉग है और हमने ये जो व्लॉग बनाया है ये हमने बनाया है एक मार्केट का, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की बहुत अच्छी दुकानें हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से टाइटल डालूँगा ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का सर्च करेगा यूट्यूब की सर्च बार में जाकर, तो मेरा वीडियो उसको सबसे ऊपर दिखे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डालकर दिखाता हूँ, बेस्ट मोबाइल फोन मार्केट इन दिल्ली। लेट्स से आप भारत के किसी और कोने में हैं, आप आसाम में हैं, ठीक है, या आप वेस्ट बंगाल में हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेस्ट मोबाइल फोन मार्केट इन, आप जिस भी एरिया में हैं, आप किसी कस्बे में हैं, शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर आकर टाइप करेगा सर्च बार में बेस्ट मोबाइल फ़ोन की मार्केट उस एरिया में कौन सी है, तो आपका वीडियो सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है दोस्तों। ये तरीका होता है अच्छे टाइटल डालने का, आप 100 करेक्टर्स तक डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ और टाइप कर देता हूँ, बेस्ट प्राइजेस 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहा है और एक मार्केट ढूंढ रहा है जहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस मिलते हों, सस्ते से सस्ते मोबाइल फ़ोन्स मिलते हों, लेकिन 100% जेन्युइन भी हों, हर तरह की वैरायटी, हर तरह के ब्रांड्स मिलते हों, तो ये आपके अगर टाइटल में आप इस तरह की चीज़ें लिख देंगे, क्योंकि यही चीज़ें डालकर कोई भी व्यक्ति सर्च करता है यूट्यूब की सर्च बार में या गूगल सर्च में भी, ठीक है, तो आपका वीडियो रैंकिंग में इस तरह से ऊपर आता है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जो आपका टाइटल है इसी को कॉपी कर लीजिए और बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दीजिए, सबसे पहले तो ये करिए, ठीक है। उसके बाद आप 5000 करेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है, अब बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिख कर दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको ये करना है कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो आप जितने भी भारत में मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स हैं वो सारे लिख दें। मैं ये सिर्फ आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्लॉग मैंने मोबाइल फ़ोन की मार्केट के बारे में बनाया है, ठीक है। लेट्स से आपने ये अपना व्लॉग किसी मंदिर में जाके बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको भारत के बड़े बड़े मंदिरों के नाम लिख देने हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति आकर
YouTube सर्च बार में एक मंदिर का नाम डालें, ठीक है, जैसे दिल्ली में अक्षरधाम है, ठीक है, तो ये आपका व्लॉग दिखेगा। ठीक है, आपका ये जो व्लॉग है ये अक्षरधाम मंदिर के बारे में नहीं है, लेकिन दिख जरूर जाएगा उसको। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने वीडियो पर लेकर आना है, तो ये सब करना पड़ेगा, तभी लोग आपके वीडियो को आकर देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये मोबाइल के बारे में, ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन के भारत में दसियों ब्रांड है, तो आपने सारे ब्रांड्स के नाम डाल देने, ठीक है, ताकि अगर कोई व्यक्ति आकर YouTube की सर्च बार में लेट से कोई नाम डालता है ब्रांड नोकिया, तो यहां पर अगर डिस्क्रिप्शन में नोकिया लिखा है तो ये रैंकिंग में ऊपर आएगा दोस्तों। अगर आपने नहीं लिखा है तो ये कहीं नहीं दिखेगा। तो जितने भी ब्रांड्स हैं मोबाइल फोन्स के, मैंने सारे यहां डाल देने हैं जितने मुझे मालूम है। आप बाकी ज्यादा डाल दीजिएगा, मैं थोड़े से आपको डाल के दिखा देता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों, मैंने ये यहां पर कुछ नाम डाल दिए। जल्दी जल्दी आप अगर कभी भी किसी भी तरह का व्लॉग बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा नाम डालिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो भी लिखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च बार में या यूट्यूब सर्च बार में वो लिखता है, जैसे नोकिया लिखेगा, तो ये नहीं है कि अगले दिन आपका ये जो वीडियो है सबसे ऊपर दिखेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं रैंकिंग में यूट्यूब और गूगल का जो एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर है उसको लाएगा ऊपर धीरे धीरे करके। ठीक है, समय लगेगा, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका जो वीडियो है वो रैंकिंग में ऊपर आएगा। अचानक आप एक दिन देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति आईफोन या वन प्लस डालता है तो पहले 10-12 वीडियोस में आपका वीडियो दिखेगा। ठीक है, ये इसी तरह से चलता है दोस्तों। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे टैग्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से डलते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आपके लिए कुछ व्लॉग्स से रिलेटेड टैग्स निकाल कर रखे हुए हैं, ढूंढ के वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपने हर व्लॉग में डाल दिया कीजिए, ठीक है, उससे आपका व्लॉग रैंकिंग में ऊपर जरूर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं ये जो व्लॉग है ये एक मोबाइल फोन मार्केट का बना रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो जितने भी मैंने कंपनियां ऊपर लिखी हैं मोबाइल फोन बनाने वाली, इनके अगर अलग अलग मोबाइल फोन्स के मॉडल्स हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहां नीचे लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च बार में या यूट्यूब सर्च बार में वो पर्टिकुलर मॉडल नेम और कंपनी का नाम डालेगा तो भी आपका ये जो व्लॉग है ये रैंकिंग में धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर मॉडल का नाम लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। ये इसी तरह से होता है दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से होता है और चलता है। मैंने इसी तरह से अच्छे डिस्क्रिप्शंस लिखकर अपना यूट्यूब चैनल चलाया है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स, नीचे आएंगे तो यहाँ एक थंबनेल का सेक्शन है। ठीक है, ये थंबनेल यहाँ पर कैसे डालते हैं, थंबनेल को डिजाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं जल्दी ही एक और वीडियो आपको पूरा बनाकर दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सिर्फ मोबाइल फोन से ही फ्री ऑफ कॉस्ट किसी एक मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लास बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं आज भी अपने वीडियोस में लगने वाली थंबनेल उसी मोबाइल ऐप पर बनाता हूं। ठीक है, वो मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। अब मैं नीचे आपको ये दिखाता हूं कि आपको टैग्स कैसे लगाने हैं दोस्तों। अब आप नीचे आएंगे दोस्तों इसके थंबनेल के, तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, ये आप अभी छोड़ दें। उसके बाद नीचे आएंगे इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। देखिए, एक नई गाइडलाइन है आजकल यूट्यूब की तरफ से कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका जो वीडियो है वो बच्चों के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमने कह दिया नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। गौर से देखिएगा, अब देखिए जहां ये पेड प्रमोशन वाला लिखा है ये आप छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल आपके लिए। और नीचे आएंगे तो यहां टैग्स डालने हैं दोस्तों। ठीक है, मैं यहां पर जो भी टैग्स अभी आपके सामने डालूंगा ये सारे टैग्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं दोस्तों। ठीक है, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव करके रख लीजिए कहीं पे, और आप जो भी व्लॉग बनाएंगे उसके टैग्स का जो सेक्शन है वहां पे जाके उन्हें पेस्ट कर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट करना है बस। ठीक है, और आपका जो वीडियो है वो काफी जल्दी रैंकिंग में ऊपर आएगा अगर आप वो टैग्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो जो टैग्स हैं कॉपी कर लिए हैं, अब मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे टैग्स आ गए हैं। आप इसके अलावा भी चाहें तो कोई और टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें 500 कैरेक्टर्स तक हम लिख सकते हैं, अभी हमने 410 ही लिखे हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं। अभी फिलहाल देखिए, आप देखेंगे यहां पर कैटेगरी में पीपल एंड ब्लॉग
ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये जो व्लॉग बन रहा है ये इस कैटेगरी के अंदर ज्यादा बेटर चलेगा, ठीक है। और नीचे आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हम ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, शो हाउ मेनी व्यूवर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, देखिए बिल्कुल दिखना चाहिए ये तो, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, और एड कार्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर जाऊंगा। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि विजिबिलिटी, यानी ये किन किन लोगों को देखना चाहिए, पब्लिक को, हर किसी को देखना चाहिए, अनलिस्टेड या प्राइवेट नहीं करना है आपने, पब्लिक रखना है, ओके। अब हम इसको पब्लिश पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। मैं अब आपको पब्लिश करके दिखा देता हूँ। अब देखिए लिखा हुआ वीडियो पब्लिश्ड, ठीक है, तो अब वो वीडियो हमारा कहाँ है हम देख लेते हैं। देखिए ये आ गया दोस्तों, ठीक है, अभी क्योंकि डलाई है एक सेकंड पहले, तो अब मैं ये आपको चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली की सबसे बड़ी मोबाइल फोन्स की मार्केट। देख ले फ्रेंड्स, आपने इस तरह से आपने अपना व्लॉग बनाना है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप अपना YouTube पर व्लॉग का चैनल शुरू कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिव पावर हो कि लोगों को पसंद आए, आप अपने मोबाइल फोन से जो भी शूट करें लोग उसको देखना चाहें, एक बार कोई आपका वीडियो देख ले तो आप जो भी वीडियो अपना अपलोड करें उस वीडियो को देखे बिना वो रह ही ना पाए, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के ऑडियंस मिल गए या दर्शक मिल गए तो दोस्तों फिर आप पैसों में खेलने लगते हैं, क्योंकि फिर आपकी एक बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग बन जाती है। कुछ समय लगेगा दोस्तों, ठीक है, ओवरनाइट 2-4-5-10 दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, आपकी जेब से एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपकी जेब में मोबाइल फोन रहता ही है। जब भी आप कहीं भी जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो आप कोई ना कोई ऐसी जगह जाते ही हैं जहां पर कोई मार्केट हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कोई चौराहा हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है। आप कुछ ना कुछ रोज शूट करते रहिए, अपने व्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहिए। अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो गया, हो सकता है आप जब शूट कर रहे हो उस वक्त वहां पर कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए जो आपके मोबाइल फोन में कैद हो जाए, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो आपका पूरा चैनल वायरल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके एक वीडियो को एक व्यक्ति ने पसंद कर लिया तो वो व्यक्ति जाकर फिर आपके सारे वीडियो देखने की कोशिश करता है। ये मैं आपको एक यूट्यूबर होने के नाते बता रहा हूं। अगर मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो किसी को पसंद आ जाता है तो वो व्यक्ति जाकर मेरे पिछले 10-20-50 वीडियो भी देखता है। तो एक मेरा वीडियो अगर 2-3 लाख व्यूज ले जाता है 2-4 दिन के अंदर, तो मेरे चैनल पर ओवरऑल व्यूज जो है हर वीडियो पे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब का जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्लान किया है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में मैं आपको और भी बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस दूंगा, जिनमें मैं आपको ये जानकारियां दूंगा कि एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बने, ठीक है। तो आप मेरा ये चैनल रेगुलरली ज़रूर देखते रहिए। इसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं दोस्तों, अभी तक मिल नहीं पाई है किसी कारण से, तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं कि एक फुल टाइम नौकरी जल्दी से जल्दी कैसे पा जाएं। मैंने काफ़ी अलग अलग यूनिक ट्रिक्स उन वीडियोज़ में बताई हुई हैं। मैं उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ लिख दूंगा, आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए। हो सकता है उन वीडियोज़ को देख कर, ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी मन मुताबिक अच्छी फुल टाइम नौकरी भी लग जाए। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।